बैक टू फाजी ब्लॉग्स एंड मोर। और आज हम लोग आपके लिए लेकर आए हैं एक ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ सरोजनी नगर। तो हम लोग क्या करने वाले, कैसे करने वाले हैं, आपको किश बताएंगे। यस, तो आज हम लोग जाने वाले हैं। अच्छा, मेनली आपने देखा होगा कि सरोजनी नगर मार्केट जो है वो क्लोदिंग के लिए ज्यादा फेमस है। जितने भी मैक्सिमम ब्लॉग्स आपको देखने को मिलते हैं या वीडियोस आपको देखने को मिलते हैं वो मेनली क्लोदिंग से रिलेटेड, समर कलेक्शन, विंटर कलेक्शन। तो हम लोगों ने वहां पर नोटिस किया है कि काफी सारी और चीजें भी होती हैं। Yes. तो इसीलिए आज हम लोगों ने डिसाइड किया है कि हम लोग कवर करेंगे वो छोटी छोटी चीजें जो आप और भी चीजें एक्सप्लोर कर सकते हो सरोजनी नगर में, जैसे कि होम डेकोर की चीजें हो गई, यू नो एसेसरीज हो गई, और भी ऐसी काफी डिफरेंट चीजें होती है जो आपको वहां मिलती हैं। बट ज्यादातर ब्लॉग्स में कपड़े ही कपड़े होते हैं, ठीक है। तो हम लोग वो भी लाएंगे, कपड़े भी लाएंगे, उससे तो हम रोक नहीं सकते। यस, तो वो भी लाएंगे, बट आपको ऐसी चीजें भी कोशिश करेंगे कि कवर करके दिखाएं। तो ज्यादा देर नहीं करते हैं क्योंकि देर हम पहले से कर चुके हैं। Yes, वो हमेशा टाइम है। यस, तो हम लोग अब निकलते हैं। अब जितना टाइम हमें यहाँ से देखो जाने में लगेगा ना मेट्रो स्टेशन, उतनी देर में आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो। Yes, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट। यस, और अगर आपने पुराने हमारे सरोजनी के वीडियोज नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वो भी चेकआउट कर सकते हो। पहले ये देख लो, फिर आराम से हो जाते, ठीक है। हम लोग घर से निकल गए हैं और गेट से मिलेगी हमें ऑटो मेट्रो स्टेशन के लिए, क्योंकि अंदर तक बहुत ज़्यादा किराया पड़ जाता है। तो इसीलिए हम लोग बाहर से लेंगे, काफ़ी सस्ते क्या यार, बजट में चलना चाहिए हमेशा। तो फिलहाल सरोजनी नगर जा रहा है शॉपिंग के लिए, उसको बजट समझ सकते हो आप लोग, उसका हाथ अच्छा होगा ना बजट। तो फिलहाल हम लोग यहाँ से जा रहे हैं, बस थोड़ा ही जाना पड़ता है हम लोग को गेट तक, वहाँ पर हमें मिल जाएगी ऑटो या फिर ई रिक्शा जो भी। तो भैया कहीं भी जाओ मास्क वास्क लगा के रखो। Yes. क्योंकि वापस से प्रकोप आ रहा है। जी हाँ, सैनिटाइजर हम लोगों ने रखा हुआ है बैग में। जितनी बार ढिलाई करते हैं उतनी बार आ जाता है वापस। Yes. तो ध्यान रखो जहाँ भी जाओ, ये मत सोचना कि वैक्सीनेशन लग गया है तो भैया सेफ हो। हाँ, नो नो। चलो ठीक है, आप लोग मैं दोस्त ये देखो। चलोगे घूमना, विंटर कलेक्शन लेने चले गए। तो हम लोग अभी मयूर विहार पहुंच गए हैं और मेट्रो का वेट कर रहे हैं। अगर आपको याद हो तो हमारा जो पिछला सरोजनी का ब्लॉग था उसमें हम लोग भटक गए थे, हम लोग एक स्टेशन पहले उतर गए थे, लेकिन अब हमें यस लेकिन अब हमें स्टेशन याद हो गया। तो आज हम लोग सही स्टेशन पे उतरे हैं और वेट कर रहे हैं मेट्रो का। तो गाइस हम लोग पहुंच गए हैं स्टेशन, यहाँ से बाहर जा रहे हैं। हमें लगा था आज वीकडे है तो भीड़ कम होगी, बट यहाँ पे सेम माहौल है। तो वी विल ट्राई कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्लिप्स ले पाएँ। तो अब चलते हैं अंदर, भाई भीड़ कितनी अंदर पता चलेगा। तो ये है सरोजनी नगर मेट्रो स्टेशन के सामने वाली एंट्रेंस। यहाँ से एंटर करते ही हमें ये स्टॉल मिला जहाँ पर पफर जैकेट्स का बहुत अच्छा कलेक्शन था, लॉन्ग और शॉर्ट में। इन्होंने फुटवेयर भी लगा रखे थे जो काफ़ी कम प्राइसेस में थे, एंड सब कुछ बारगेनिंग पे डिपेंड करता है। सो काफ़ी अच्छा कलेक्शन था इनके पास। इसके जस्ट बगल में ये 100 रुपीज़ की सेल लगी हुई थी जहाँ पर काफ़ी अच्छे स्वेटर्स और पुलोवर्स थे, और आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि इसमें आपको बहुत अच्छे पीस भी मिल सकते हैं और थोड़े से डैमेज पीस भी मिल सकते हैं। So, आपको बहुत अच्छे से देखना पड़ेगा। और इसी स्टॉल के बगल में ये 200 और 100 रुपीस की सेल लगी हुई थी जिसमें आपको अच्छे डेनिम जीन्स मिल रही थी। इसमें मुझे पर्सनली ये ब्लैक ग्रे शेड वाली बहुत पसंद आई थी, बट ड्यू टू साइज इशूज़ मैंने नहीं ली, मेरे साइज़ में अवेलेबल नहीं थी। तो आप यहाँ से डेनिम भी चेकआउट कर सकते हो। जीन्स के स्टॉल से आगे बढ़ते ही हमें एक अगला स्टॉल दिखाई दिया जहाँ पे 200 में कोट मिल रहे थे। बहुत सारे कलर्स के यहाँ पे कोट आपको दिख जाएंगे, अलग अलग डिज़ाइन में, अलग अलग पैटर्न में। यहाँ पे आपको कोट के डिफरेंट लेंथ भी मिल जाएंगी। जो नीचे कोट्स थे वो शॉर्ट लेंथ में थे और ऊपर वाले लॉन्ग लेंथ के कोट थे जिनकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही थी। उसके जस्ट सामने 150 का स्टॉल लगा हुआ था जहाँ पे आपको वुलन पुलोवर्स और वुलन लोअर्स दिख रही थी जिनकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी लग रही थी फॉर विंटर्स।
वहीं से थोड़ा सा आगे जाकर हमें मिला ये क्यूट सा बैग का स्टॉल। यहाँ पे हमें क्लचेस दिखे, बैग्स दिखे, वॉलेट्स दिखे और पोटली भी थी जो आजकल काफ़ी ज़्यादा फैशन में है, तो काफ़ी प्यारा कलेक्शन था यहाँ पर। इसके बाद हमें दिखा ये क्यूट सा कीचेन का स्टॉल। सो सरोजनी इज़ नॉट ओनली अबाउट क्लोदिंग, बहुत ही प्यारी प्यारी क्यूट कार्टून कैरेक्टर्स वाली कीचेन्स थी, जैसे पिकाचू, मिनियन, स्पाइडरमैन और भी बहुत सारी प्यारी कीचेन्स। आगे जाके हमें ये 200 रुपीस का स्टॉल दिखाई दिया, जहाँ पे हमें ये टाई एंड डाई वाले लोअर्स दिखाई दिए जो काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है। उसके अलावा यहाँ पे काफ़ी सारे मल्टी कलर लोअर्स भी थे, ये सारे लोअर्स वुलन थे तो ये 200 रुपीस में काफ़ी अच्छी डील थी। इसी के जस्ट बगल में ये 100 रुपीस वाला स्टॉल था जो कि सरोजनी में आपको काफ़ी ज़्यादा कॉमनली मिल जाएगा। इसी में मुझे दिखा ये वाइट वाला पुलोवर जो कि पर्सनली मुझे काफ़ी अच्छा लगा, जिसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी। सरोजनी में आपको काफ़ी ऐसे इयररिंग्स के स्टॉल भी मिल जाएंगे जहाँ पे आपको 30-50 में काफ़ी अच्छे इयररिंग्स दिख जाएंगे। यहाँ पे हमें काफ़ी सारे झुमके, बीडेड इयररिंग्स, हुप्स और बहुत सारे अच्छे इयररिंग्स दिखाई दिए। जो भी ट्रेंड आजकल चल रहा होगा वो आपको सरोजनी नगर में पक्का मिल जाएगा। सो नेक्स्ट हमें देखिए काफ़ी इंटरेस्टिंग शॉप, क्योंकि यहाँ पर पुलोवर्स, स्वेटर्स, इनका तो अच्छा कलेक्शन था ही, साथ ही में शूज़ का भी काफ़ी अच्छा कलेक्शन था, जैसे स्नीकर्स, स्पोर्ट शूज़, कैनवस। और मैंने अपने लिए भी यहाँ से निकलते निकलते एक यूनिक्लो का स्वेटर ले लिया। इसी शॉप से बाहर निकलते हुए हमें दिखा ये 300 रुपये वाला स्टॉल, जहाँ पर पफर जैकेट्स का काफ़ी अच्छा कलेक्शन था, क्वालिटी अच्छी थी, लाइट वेटेड थे और किश को ये पर्सनली क्रीम वाला बहुत पसंद आया, बट ड्यू टू साइज इश्यूज़ हमने नहीं लिया, बट आप जाएँ तो ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमने देखी ये शॉप नंबर 184, जहाँ पे फुटवेयर का काफ़ी अच्छा कलेक्शन था। अगर आपको बूट्स लेने हो तो आप ये शॉप चेकआउट कर सकते हो, यहाँ पे आपको सारे टाइप के बूट्स मिल जाएंगे। शॉप नंबर 169 आप चेकआउट कर सकते हैं अगर आपको कैप लेनी हो, यहाँ पे आपको नॉर्मल और वुलन कैप्स दोनों ही मिल जाएंगे। सरोजनी में आपको जितनी भी ट्रेंडी जैकेट्स हैं उन सबका स्टॉक मिल जाएगा, चाहे वो वर्सिटी जैकेट्स हों या वो फॉक्स लेदर जैकेट्स हों या डेनिम जैकेट्स हों, सबकी काफ़ी अच्छी वैरायटी मिल जाएगी बहुत ही रीजनेबल प्राइस में। सरोजनी मार्केट में अच्छे कपड़ों के साथ साथ आपको होम डेकोर का भी काफ़ी अच्छा सामान मिल जाएगा, जो कि आप शॉप नंबर 78 में भी चेकआउट कर सकते हो, जैसे वॉल हैंगिंग्स, पेंटिंग्स, विंड चाइम्स और भी बहुत कुछ जिससे आप अपने घर को सजा सकते हैं। होम डेकोर के साथ साथ आपको फ़ोन डेकोर का भी पूरा इंतज़ाम मिलेगा, यानी मोबाइल केसेस, काफ़ी क्यूट और ट्रेंडी मोबाइल केसेस मिलेंगे आपको सिलिकॉन में, ग्लास में, मैट फिनिश पे, ग्लॉसी में, तो आप इन्हें भी चेकआउट कर सकते हो। और आपको सरोजनी में बाथरूम और किचन एसेंशियल्स भी देखने को मिल जाएंगे। ये शॉप मेरी फेवरेट शॉप रही इस बार की सरोजनी विजिट की, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के बैग्स थे, हैंड बैग, शोल्डर बैग्स, क्लचेस, और सारे बैग्स में बहुत सारी वैरायटी थी। हैंड बैग्स मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छे लगे, ये जो वाइट वाला बैग था ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था, बट सिंस ये गंदा हो जाता है इस वजह से मैंने इसका ब्लैक कलर लिया, बट इसके जितने भी कलर्स थे वो सारे कलर्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे। बैग्स की क्वालिटी और वैरायटी के साथ साथ मुझे यहाँ का प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा रीजनेबल लगा। हाईएस्ट प्राइस जो था बैग्स के लिए वो 350 था और जो बैग मैंने लिया वो 250 का था। शोल्डर बैग्स क्योंकि ज़्यादा स्पेशियस होते हैं तो वो 350 के थे, और जितने भी हैंड बैग्स यहाँ पर दिख रहे थे वो सब 250 के थे। सरोजनी नगर मार्केट में आपको मोबाइल कवर्स और एसेसरीज़ के काफ़ी स्टॉल मिलेंगे। हमें भी एक और स्टॉल मिला जहाँ पर कवर्स का कलेक्शन काफ़ी अच्छा था, आईफोन से लेकर एंड्रॉयड के कई सारे मॉडल्स के कवर आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। इस बार हमें यहाँ पर गर्म कुर्तियाँ देखने को भी मिली और साथ ही साथ नॉर्मल कुर्ती भी थी, जिनका प्राइस 200 से 300 रुपये तक था और फैब्रिक काफ़ी अच्छा था। सरोजनी नगर में अगर मुझे कुछ सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है तो वो है होम डेकोर की शॉप्स, जहाँ पर आपको डिफरेंट टाइप ऑफ शो पीस, ड्रीम कैचर्स, क्लॉक्स, गुड लक चार्म्स और भी ऐसे कई सारे डेकोरेटिव आइटम्स मिलेंगे जिनसे आप अपने घर को और सुंदर बना सकते हो। तो इसी शॉप के बगल में थी ये लैम्प्स की शॉप। आजकल लैम्प्स काफ़ी ट्रेंड में है, तो यहाँ पर टेबल लैम्प्स, फ्लोर लैम्प्स, डिफरेंट डिज़ाइन के लैम्प्स अवेलेबल थे, जिनके डिफरेंट डिफरेंट प्राइस थे और वो क्वालिटी में काफ़ी अच्छे लग रहे थे।
नेक्स्ट हमने ये एक नई शॉप एक्सप्लोर की जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एम्ब्रॉयडर्ड सामान मिल रहा था, पोटलीज, क्लचेस, टोट बैग्स, हैंड बैग्स और भी काफ़ी सारी चीज़ें थी एम्ब्रॉयडर्ड जो कि काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रही थी। नेक्स्ट हमने एक और होम डेकोर की शॉप देखी जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम क्वालिटी का सामान था। यहाँ पे आपको हर छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा प्रीमियम क्वालिटी का होम डेकोर का सामान मिल जाएगा। सिंस इस शॉप के सामान की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी तो प्राइस भी थोड़ा हाई था, बट सामान जितना सुंदर था उस हिसाब से वो वर्थ इट था। जी तो हम लोग वापस आ चुके हैं और आई गेस 8 बज रहा है और हम लोग इस समय बैठे हैं, विराजमान है हमारे बीन बैग पर। तो पता है आपकी जिंदगी में अगर थकान है तो एक बीन बैग ले लीजिए, थकान यूं कर, यस बहुत रिलैक्सिंग रहता है। तो बताओ कितनी शॉपिंग करी हम लोगों ने भाई, आज हम लोगों ने इतनी शॉपिंग करी है, हम लोग घर से ही बोल के गए थे कि कपड़े नहीं लेने हैं पर बहुत बहुत कपड़े लिए हैं। एंड कपड़े तो हम लोगों ने लिए पर उसके अलावा जो हम लोगों ने आपसे बोला था कि बाकी बहुत सारी चीज़ें जो आप एक्सप्लोर कर सकते हो, तो वी होप कि आपने आज इस ब्लॉग में देखा कि क्या क्या और वैरायटी ऑफ सामान रहता है। काफ़ी सारी वैरायटी रहती है आपको, मतलब होम डेकोर के लिए जो भी सामान चाहिए, जिस भी टाइप का चाहिए, सस्ते से सस्ता, महंगे से महंगा, एग्जैक्ट सब आपको मिलेगा। जैसे कि होम डेकोर हो गया, इसके अलावा छोटी छोटी एसेसरीज हो गई, की रिंग्स हो गई और ईयरफोन और फोन के केसेस हो गए, ट्राइपॉड्स हैं, रिंग लाइट्स हैं, बहुत बहुत कुछ मिलता है। बस आप लोगों को उनसे बच के रहना है, सतर्क रहना है जो घड़ी भेजते हैं, क्योंकि वो ऐसे ऐसे आते हैं, घड़ी लेंगी तो वो बहुत ज़्यादा क्रीपी होता है। बट ऑल इन ऑल बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको एक्सप्लोर करनी चाहिए सरोजिनी नगर। इट इज नॉट ओनली अबाउट क्लोथ्स, सो वी होप कि आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा। और हम लोग हॉल वीडियो कब कर रहे हैं भाई? यस, हम लोग हॉल वीडियो भी जल्दी करेंगे, इसके बाद आपको सरोजिनी हॉल वीडियो मिलेगा, तो उसको जरूर से देखना क्योंकि हम लोग इतना ढेर लाए हैं तो आपको बिल्कुल 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 देखना चाहिए, क्योंकि अभी वहाँ पे विंटर कलेक्शन बहुत ही अच्छा है, काफी अच्छा आया था। तो हम लोग काफी कुछ लेकर भी आए हैं विंटर कलेक्शन से, और कुछ कुछ पोर्शन जो है वो समर के लिए भी लेकर आए, तो मतलब मिक्स सी शॉपिंग रही है ओवरऑल। और हम लोग एक्स्ट्रा स्टॉक भी लेकर आए, ऐसा नहीं कि सिर्फ कपड़े लाए, बाकी चीजें भी लाए हैं, तो अगर हम उसको इसमें इंक्लूड करते तो बहुत लंबा व्लॉग हो जाना था। तो तब तक के लिए डू सब्सक्राइब आवर चैनल, और जो सेक्शन आपको सबसे ज्यादा पसंद आया है या फिर कोई प्रोडक्ट आपको दिखा है सरोजिनी में जो कि आपको बहुत पसंद आया है, तो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताओ। यस, और इस बार वी ट्राइड कि आपको कुछ कुछ शॉप नंबर्स भी बताएं और हम लोग डिटेल्ड में ब्लॉग बना सकें, सो वी होप कि आपको अच्छा लगा होगा। और अच्छा लगा है तो प्लीज शेयर करो, कमेंट करो, ढेर सारा प्यार दो, बिकॉज उसी के भूखे हैं। एंड थैंक यू फॉर 600 सब्सक्राइबर्स, और हमारा नेक्स्ट गोल है कि 1000 सब्सक्राइबर्स जल्द से जल्द हो जाए। सो बस मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखो, मजे करो, और वक्त मिले तो सरोजनी हो क्या यार, बहुत अच्छा स्टॉक आया है।